नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव। और साफ तौर पर जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि बेटियाँ किसी से भी कम नहीं हैं, बेटियाँ किसी से भी पीछे नहीं हैं, क्योंकि जब बेटियाँ किसी काम को लेकर थाम लेती हैं, एक बीड़ा उठा लेती हैं, तो वो उसमें कामयाब ज़रूर होती हैं। तो साफ तौर पर आपको आज राजौरी की एक बेटी से हम मिलाने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है उनका, चलिए देखते हैं। जहाँ पर हम ये चीज को रुका कर सकते हैं, हमारा ये प्रोग्राम तो बेटी बचाओ से 1450 साल पहले बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और आज इस सब का क्रेडिट मेरी फैमिली को, मेरी मम्मा को, मेरे मामू को जाता है, जिनकी सपोर्ट हमेशा मेरे साथ रही। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम होता है इंडिया का, और इसके लिए काफ़ी हार्डवर्क करने की ज़रूरत होती है। और पर आप डिटरमाइंड रहेंगे, हार्डवर्क करेंगे, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस की हैं लाइफ में, और सबसे बड़ा हाथ तो मम्मा का था, फिर मेरे मामू का, और मेरी पूरी फैमिली की दुआएं मेरे साथ थीं, और मेरे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट की, मेरे स्टेट के लोगों की दुआएं मेरे साथ थीं। यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है एक इंसान के लिए, और इसी से एक इंसान को कामयाबी मिलती है। तो फिलहाल आपने देखा कि इरमेम का क्या कुछ कहना था। वो अपना पूरा क्रेडिट अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर को और अपने मामू को दे रही हैं। वो कह रही हैं कि जब भी उन्हें मुश्किल आती थी किसी भी काम को लेकर, तो ये सब लोग उसकी सपोर्ट बनते थे। तो साफ तौर पर हम बात भी करते हैं कि अपनी बेटियों को अगर हम सपोर्ट करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं, तो हमारी बेटियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं, बहुत आगे बढ़ सकती हैं। तो इरमेम जो है वो एक मिसाल कायम करती हैं पूरे भारतवर्ष की बेटियों के लिए, और स्पेशल तौर पर जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए और राजौरी जिले की बेटियों के लिए। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट लाइव।